इंटरनेशनल योगा डे प्रोग्राम है, हम लोग को नॉर्थ ईस्ट जनरल कल्चरल सेंटर दीमापुर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से डायरेक्शन दिया गया 60 आदमी का, यहाँ हम लोग को योगा करो बोल के हम लोग को एकदम रिटेन में ऑर्डर आ गया। लेकिन हमारा यहाँ जो सीटिंग कैपेसिटी है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके हमारा 60 मेंबर्स नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम लोग फिर उन लोग से परमिशन लेके 35 मेंबर्स किया। तो 35 मेंबर्स आके हम लोग कल रिहर्सल किया, आज योगा किया, आज असली किया। बहुत जितना 35 था 35 से भी थोड़ा ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हुआ है और हमको अच्छा लगा है। इसमें मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स मेरा अपना ऑफिसर लुक है, मेरा आर्टिस्ट लुक है, सॉन्ग्स एंड ड्रामा यूनिट का आर्टिस्ट लुक बहुत पार्टिसिपेट किया है, खास करके लेडीज़ लुक को आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारा जो BKB स्कूल का आया है, BKB स्कूल का जो इंस्ट्रक्टर है, मेन इंस्ट्रक्टर है और दो हेल्पर्स है, वो लोग आया, वो लोग आके हम लोग को कल भी सिखाया, आज भी सिखाया। लेकिन उन लोग के लिए भी हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंशियल रेम्यूनरेशन भी हम लोग को दिया है। उन लोग का फाइनेंशियल रेम्यूनरेशन है, उन लोग का हम लोग डायरेक्टली उन लोग का अकाउंट में दीमापुर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ट्रांसफ़र कर देगा। ये योगा डे इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि फिजिकली आप पीट नहीं होने से आप मेंटली कुछ नहीं कर सकता है। फिजिकल फिटनेस, मन शांति होना है, दिल शांति होना है, फिजिकली फिट होना है, तब हम एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट्स ऑल्सो हम डिलीवर कर सकेगा। तो दिस इज़ द बेसिस इंटरनेशनल योगा डे जो 2015 में 14 में असेंबली में UNO में पास हुआ, 177 कंट्रीज का साथ में कंट्रीज ने अप्रूव किया। उसका बाद में 2015 में फॉर्मली लॉन्च हुआ ये इंटरनेशनल योगा डे। नॉट ओनली हियर, पूरा एंटायर कंट्रीज इवन इन यूरोप एशिया सब में इंटरनेशनल योगा डे आज सेलिब्रेट करता है। पीट इंडिया डिलीवर इंडिया, तो हम लोग पीट होना है, फिजिकली पीट होना है, मेंटली पीसफुल होना है, ऐसा करके हम लोग योगा बहुत इम्पोर्टेंस है। ये योगा हम लोग आज सिर्फ सीमित नहीं रखेगा, हम लोग अपना घर में भी करता है, मैं भी अपना घर में भी करता हूँ, बहुत पहले से करता हूँ। योगा बहुत फिजिकल फिटनेस के लिए इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू। एकम रेज योर लेग्स 45 डिग्रीज, द्वे 90 डिग्रीज, त्रिनी फोल्ड योर नीज, चतुर्थी हाथ से आपका पांव को पकड़िए, कितना हो सके उतना छाती तक लेने के लिए प्रयास कीजिए और चिन को डिस्को टच करने का प्रयास कीजिए। This is the final posture of Pavana Muktasana.